Good morning students. Today we will start new chapter lesson 3 genetics. बच्चे, it is an important chapter of your bio section. Genetics जो है बेटा ये chapter या ये terms ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है. इससे पहले भी इन चीजों के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है. ठीक है तो ये मान लीजिए this is the only starting of genetics. Genetics में actually बेटा ये एक ऐसी branch है science के जिसमें हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा. हम सिर्फ observations करते हैं. जैसे कि आप लोग घर में देखते हैं दो सिस्टर से वो एक दूसरे को काफी रिजेंबल करती हैं, या आप देखते हैं एक फैमिली के मेंबर्स जो है उनको अगर हम कहीं अलग अलग इंडिविजुअल में भी देखें तो हम पहचान लेते हैं कि शायद ये इसका भाई है या इसकी बहन होगी या ये इसकी बेटी है या ये इसके पेरेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई रिजेंबलेंस होती है. इट मीन्स मान लीजिए उनके फीचर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं. तो ये जो फीचर्स मिलते हैं या ये जो कहते हैं ट्रेट्स, इन करेक्टर्स को हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रेट्स. तो ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये कैसे होता है? इनके लिए ऐसी क्या चीज है हमारी बॉडी में जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है? ये रिजेम्बलेंस क्यों हमें और हमारे पेरेंट्स में आती है? इसके अलावा आप देखते हैं कि ऐसा भी नहीं होता कि दो सिस्टर्स जो है हालांकि सेम पेरेंट्स हैं लेकिन क्या वो 100% एक जैसी है? बिल्कुल नहीं. उनमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं. इटमीन्स हो सकता है उनके फीचर्स कुछ मिलते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं. उनकी हैबिट्स हैं कुछ मिलती है लेकिन कुछ डिफरेंट भी होती है. इटमीन्स उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन्हीं डिफरेंसेस वेरिएशंस यानी जेनेटिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और एनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिटेंस. जो कैरेक्टर्स है आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर में है, आपके फादर से आप में आ रहे हैं, आपसे नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे. इट मीन्स जिनके कारण हम रिजेंबल हो रहे हैं एक दूसरे से, हमारी शक्लें मिलती जुलती है, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रेट्स. तो वो एक जनरेशन से दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में जब पास होते हैं तो इस टर्म में हम बोलते हैं हेरिडिटी. हमें हर जगह करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपकी शक्ल आपकी मम्मी से क्यों मिलती है क्योंकि हम उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम में आए. नहीं, डेट इज हेरिडिटी. हम नॉर्मल से एक टर्म यूज करते हैं हेरिडिटी. इट मीन्स जो वंशानुगत जो चीजें पास होती जाती हैं. तो हमारी बॉडी के बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो कि हेरिडिटरी होते हैं, बॉडी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है. अब सिमिलैरिटी से ही नहीं पास होती, कुछ डिफरेंसेस, उन सिमिलैरिटीज के साथ साथ हमारे बहुत सारे डिफरेंस भी होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं वेरिएशंस. क्या है? डिफरेंट ट्रेट्स इन टू इंडिविजुअल्स. टू इंडिविजुअल्स मतलब कि यहाँ पर सेम फैमिली की, मान लीजिए दो सिस्टर्स हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज हो गई, उसके लिए हम बोल देते हैं हेरिडिटी. ठीक है, लेकिन उनमें बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज भी होती है. हो सकता है एक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या एक जगह बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, या एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क और एक का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर है. तो ये जो डिफरेंस है इन्हें हम बोलते हैं वेरिएशन. तो जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ सिमिलैरिटीज ही नहीं कॉपी होती, कुछ डिफरेंसेस, कुछ नए कॉम्बिनेशन भी आते हैं. तो वो क्यों आते हैं? इन्हीं सबको डील करने के लिए हमारी जो एक ब्रांच है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स इज इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. यानी पेरेंट टू पेरेंट जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं दादा से फादर में, फादर से आप में, आप से नेक्स्ट जनरेशन में, और उन सिमिलैरिटीज के साथ साथ जो डिफरेंसेस हैं, जो नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये सारी जो डील है ये क्या कहलाती है? हमारी जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अंदर हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ते हैं. ठीक है, ये जो जेनेटिक्स टर्म्स है ये सबसे पहले गैटसन ने, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ली 1905 में ली. ठीक है, ये जो जेनेटिक्स टर्म थी ये ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, साइंस से एक मानी हुई लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जहां पर जो वर्ड क्या था? जीन. इट मीन्स वो करेक्टर जो हम कहते हैं करेक्टर जो फादर से मदर पर जा, फादर से पेरे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, यानी फादर से मान लीजिए आप में आए, मम्मी से आप में आए, तो वो जो करेक्टर है वो एक्चुअली इसके कारण ट्रांसफर होते हैं, जीन्स के कारण. ठीक है, अब ये जो ये माना गया कि ये जो नए वेरिएशंस हैं या ये जो सिमिलैरिटीज हैं ये किसके कारण होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण. बच्चे, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपवन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर, उसमें जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस. हमने दो तरह का डिवीजन पढ़ा है, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द सेल डिवीजन, सेल्स के डिवीजन के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए. लेकिन मियोसिस जो था वो टोटली गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए होता है. और उसमें भी जो एक टर्म होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर आप लोग याद कीजिए, प्रोफेज फर्स्ट में हमने देखा था कि जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच
अटैच हो जाता है तो कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। उसी क्रॉसिंग ओवर के कारण ही ये जो जीन्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और कई बार हमारे अंदर जो वेरिएशन आते हैं, डिफरेंस आते हैं, वो भी इन्हीं क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। तो बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर है, मियोसिस जो है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड फॉर द हाइब्रिडिटी एंड वेरिएशन। ये जो टर्म है, हाइब्रिडिटी जो टर्म है, सबसे पहले स्पेंसर ने बताई थी 1863 में। अब इसके बाद रिसर्च हमारी आगे चलती रही, नए नए थॉट्स आते रहे, फिर हमारे क्रिएट कराया मेंडलिज्म, मेंडल का क्रिएट, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने जो भी थॉट्स दिए वो एक तरह से मान लीजिए पूरे जेनेटिक्स पर मील के पत्थर की तरह हुए, मतलब जितनी भी नई फाउंडेशन आई वो सारी इसी के थॉट्स पर आई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उसका जो पूरा लाइफ टाइम पीरियड था 1822 से 1884 तक का, ये जो पूरा इसका लाइफ टाइम है, इसको हमने बाद में क्या नाम दिया, मेंडलिज्म। ये जो क्रिएट था इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जो उनका बोर्न हुआ था, उनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया जैसे छोटे ये कह लीजिए कंट्री में हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, ठीक है, साइकोलॉजी में उन्होंने 1842 में उन्होंने डिग्री हासिल की, फिलोसफी में सॉरी। उसके बाद मॉन्क वहीं के किसी चर्च में, ठीक है, ये एक मॉन्क की तरह रहने लगे, इनका जो रूम था उसके आगे टी गार्डन था। तो ये क्या है, कैसे नेचुरलिस्ट उतना जो प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी थी, तो ये उन पी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते रहते थे। उन्होंने लंबे टाइम तक, इट मीन्स उस पी प्लांट को लगभग उन्होंने पी गार्डन जो है केयर टेकर की तरह अटेंड किए, तो उन्होंने 7 लंबे 7 साल तक उनको ऑब्जर्व किया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अंदर के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी रिजल्ट उन्होंने आए, वो अपने एक रिसर्च बुक में वो बनाते गए, ठीक है। उस वक्त तो कोई भी उन्हें नहीं जानता था। जब उनकी डेथ हुई 1884 में उनकी जब डेथ हुई, तो 1885 में जब उनके रूम की ऑब्जर्व मतलब ये मान लीजिए सामान हटाया गया, तो वहाँ से उनकी ये रिसर्च थीसिस निकली, और उसमें जो थॉट्स थे उनको देखकर उस वक्त का वर्ल्ड मतलब बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि इतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे बीच था और हमें पता ही नहीं था। और उनकी जो भी रिसर्च थे उनको वहाँ की जो सोसाइटी थी, नेचुरल सोसाइटी, ठीक है, उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया जो कि बुक थी एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी उनकी पूरी स्टडी प्लांट्स के ऊपर थी, और बहुत कुछ उन्होंने इसमें बताया। और इसी पर आगे मेंडल्स के तीन लॉज जो है बहुत कुछ जेनेटिक्स में इन्हीं के कारण आया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए कई इनके पॉइंट्स आए, जैसे कि रीजन फॉर सक्सेस, कि सबसे पहली बात तो मेंडल सक्सेस क्यों हुए। भैया आज बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जरूरी तो नहीं सब सक्सेस हो पाते हैं, तो ऐसा क्या था कि ये अपने पहले ही काम में एक छोटे से पेड़ में ही उनको इतनी सक्सेस मिली। रीजन क्या था, सबसे पहले जिसका लक, हम ये मानते हैं कि उनका जो लक था, यानी वो बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने जिस भी प्लांट को चुना वो पहले टाइम में बहुत सही निकला, उनके कैरेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट थे, और उनकी स्टडी जो बहुत अच्छी रही। एक तरह से सबसे पहले चीज तो आ गई, ही इज द लकीस्ट पर्सन। सेकेंड, स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इन्होंने जो भी प्लांट सेलेक्ट किया, मीन्स इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे पी प्लांट पे किए, तो उन्होंने जो भी प्लांट उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए सेलेक्ट किया उसका सिर्फ उन्होंने एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम सेलेक्ट किया। जैसे अगर हम पी प्लांट की बात करें, अगर उन्होंने हाइट ऑफ अ प्लांट ली तो उन्होंने सिर्फ हाइट को ही लेकर उसी के ऑब्जर्वेशन किए कई पीढ़ियों तक। ऐसा नहीं कि उन्होंने हाइट भी ले लिया, कलर भी ले लिया, और अगर हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बहुत नहीं, उन्होंने एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर को एक बार में लिया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि पूरी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ही कैरेक्टर पर रहे। थर्ड, स्टैटिकल एनालिसिस। हम जनरली प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं कि ठीक है आज मैंने इतने सारे काम किए हैं तो उसमें से इतने अच्छे इतने बुरे हैं, सारे मैंने तो काम ही किए, इट मीन्स मतलब कोई अगर हम कहें तो हम प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या क्या एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस, कि उन्होंने कहा जैसे मैंने कहा 16 न्यू प्लांट्स उन्होंने ऑब्टेन किए पी प्लांट से, तो वो 16 में से कितने में क्या चेंजेस हुए, कि मान लीजिए 9 जो है उन्होंने लंबे, जैसे अगर उन्होंने एक ही कैरेक्टर की हाइट, तो उनका 9 जो है वो टॉल थे, जो 3 हैं वो ड्वार्फ है, उसके अलावा जो 3 हैं वो ऐसे हैं जो मीडियम रेंज मतलब टॉल और ड्वार्फ के बीच के हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैटिकल एक मैथमेटिकल फाउंडेशन किया, तो इसकी वजह से उनके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी सटीक थे। केयरफुल फॉर अ प्लांट सिलेक्शन, जब भी इन्होंने पी प्लांट को जब इन्होंने सेलेक्ट किया तो ऐसे नहीं कि कोई सा प्लांट उन्हें मिल रहा है और उन्होंने कर लिया, नहीं, ठीक है, उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, एक तो सबसे पहले वो प्लांट सेलेक्ट किया जिसकी अवेबिलिटी बहुत थी इनको, सेकेंड ऐसा प्लांट जो उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया
वो ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया जिसमें कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, अब उसके लीफ का कलर अगर एक ही है तो हमें कोई कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उसमें टू टाइप की लीव्स हैं, मान लीजिए एक डार्क ग्रीन है और एक लाइट ग्रीन है, या एक येल्लो है एक ऑरेंज है, तो इस ढंग से कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स इनके जिस प्लांट को मैं सेलेक्ट किया उसमें बहुत थे। यही सब रीजन थे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उन्होंने सक्सेस इनको मिली। नेक्स्ट उन्होंने पी प्लांट लिए क्यों सेलेक्ट किया, तो पहली चीज़ तो यही है कि इनकी अवेबिलिटी बस पी प्लांट की थी। मॉन्क थे जो गार्डन था वो पी प्लांट था, तो ऑब्वियसली वही चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं जिसकी अवेबिलिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन्होंने पी प्लांट किया। सबसे बड़ी बात, पी प्लांट जो था एनुअल प्लांट था, यानी एक पूरे साल भर तक कई उस तक खराब नहीं होता था, और इसकी वजह से इसकी एक ही साल में 3 से 4 जनरेशन आ जाती थी, तो ये 2-3 महीने में इनको नया प्लांट मिल जाता था। तो एनुअल प्लांट था, सेल्फ पॉलिनेशन था, क्योंकि पी प्लांट जो वो बायोसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, तो इसकी वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है और प्योर ब्रीड मिलती है, मतलब इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती। देन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इसमें इमेस्टिकुलेशन, आप एक टर्म के लिए इमेस्टिकुलेशन, इसमें क्या होता है बेटा कि दोनों, जब किसी फ्लावर में दोनों पार्ट्स हैं मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो हम एक छोटे सी कट करके एक पार्ट को हटा देते हैं, जिससे कि उसमें क्या हम इंटरमिक्सिंग को हम रोक भी सकते हैं और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करके हम नई ब्रीड्स भी ले सकते हैं, तो ये भी इसमें बड़ा आराम से इजीली हो जाता था। देन मैंने पी प्लांट जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स बहुत सारे थे, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मतलब एक ही करेक्टर के दो फॉर्म्स, वो बहुत ज़्यादा थे, तो इन्होंने उसमें एट अ टाइम 7 करेक्टर्स को सेलेक्ट किया। सबसे पहले हाइट ऑफ अ प्लांट, क्योंकि दो करेक्टर्स थे उसमें टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, पोजिशन ऑफ अ फ्लावर, पोजिशन फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल होती है एक्सिस पर और टर्मिनल मतलब ब्रांचेस के टर्म पर, ठीक है। देन शेप ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द पॉड मतलब जो पी है, पी कौन सी वाली, ये जैसे हम ये लेते हैं ये, तो ये पी जो है एक तो ये पी है और एक ये पी है, दोनों में इन्फ्लेटेड और ये क्या है थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। देन कलर ऑफ पॉड, यानी ये जो ऊपर का छिलका होता है, ये जो पूरी पी है इसका कलर कौन सा था, आपका ग्रीन और येलो, दो तरह के आते हैं ना क्योंकि हमारी देसी और परदेसी, तो जो परदेसी होती है वो ग्रीन होती है और जो देसी होती है येलो येलो होती है। कलर ऑफ सीड, जो अंदर के मटर के दाने निकलते हैं वो येलो और ग्रीन दो तरह की होती है। कलर ऑफ फ्लावर, जो इसमें कलर आते हैं फ्लावर, जो फ्लावर आते हैं वो भी इनमें दो तरह के होते हैं, वायलेट एंड व्हाइट। एंड शेप ऑफ द सीड, जो मटर निकलती है अंदर की, ठीक है, आप देखते हैं इन वालों में एक में बिल्कुल ब्राउन होता है और एक में हल्की सी ऐसे कॉन्स्ट्रक्टर निकलती है, तो इस ढंग के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पी प्लांट में बहुत थे। ये सब बेटा कुछ रीजन थे जिनकी वजह से इन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया और इनको काफी सक्सेस मिली। सो बच्चे, आई होप आपको इतनी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टर्म्स, टिल देन हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।